सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आकाश टॉक्स। और आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बुक रिव्यू को कैसे लिखा जाता है, इसका करेक्ट फॉर्मेट क्या है ना, एक परफेक्ट बुक रिव्यू कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर कुछ रिलेवेंट पॉइंट्स बोलूंगा एंड तुमको एक बुक रिव्यू का फॉर्मेट भी दिखाने वाला हूं हर एक चीज। देखो एक बात सुनो यार, तुम हर एक व्यक्ति बहुत ही अच्छे हो, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि यू डोंट नो व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू इनकॉर्पोरेट इनसाइड योर बुक रिव्यू सो दैट यू कैन एबल टू गेट अ वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, तो मैं यही आशा करूंगा वीडियो को प्लीज एंड तक देखो, नो एड ब्रेक, जस्ट 2-5 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर एग्जाम है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहला बात तो है कि बुक रिव्यू के अंदर हम करते क्या है कि हमने कुछ भी एक टॉपिक देख लेते हैं एंड उसके बाद उसके ऊपर काम करते हैं एंड वही लिख के आते हैं, बट वी डोंट नो व्हाट आर द पॉइंट दैट CIC काउंसिल एक्चुअली वांट्स फ्रॉम यू, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक यू नीड टू मेंशन एंड कौन सी बुक रैदर तुमको करनी है, ये भी लेके हम बात करेंगे। भैया क्या हम साइंस बुक रिव्यू कर सकते हैं, वो भी तो एक बुक रिव्यू हो गया, बट मैं बोलूँगा साइंस बुक या फिर फिजिक्स बुक ये सब रिव्यू करने मत जाओ, काफ़ी लोगों का कमेंट्स वगैरह आता है यार, एक कोई एक स्टोरी बुक, कोई एक नॉवल रिव्यू करो ना जो तुम खुद पढ़े हो तुम्हारे टाइम में या फिर जो तुम खुद अपने ऑफ टाइम में पढ़े हो, कुछ ना कुछ पढ़े हो। और एक बात है कि बुक रिव्यू के अंदर तुम ना ही तो तुम्हारे कोई ISC या फिर ISC की जो भी स्टोरी बुक्स, मार्चेंट ऑफ वेनिस, टेम्पेस्ट, ये सारे बुक्स तुम रिव्यू कर नहीं सकते हो, राइट। तो मेन पॉइंट क्या है, जब हमने कुछ बुक रिव्यू करते हैं ना, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि कोहेरेंट एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इस बुक के बारे में बता देनी है। ठीक है, सो मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि ट्राई टू गिव एनी कोहेरेंट एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक दैट यू आर रिव्यूइंग। ठीक है, अच्छा सेकेंड पॉइंट है, जो फर्स्ट पैराग्राफ जो तुम लिखने वाले हो उस बुक के अंदर उसको ना थोड़ा ब्रीफ करो। ठीक है, मैम नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा बड़ा करो, थोड़ा ब्रीफ करो, छोटे करके लिखो उस बुक के अंदर क्या आइडिया है या फिर क्या रैदर बताने वाले वो वाला बुक। ठीक है, एंड इसके साथ साथ एक्यूरेट आइडिया ऑफ द ओवरऑल फील ऑफ द बुक, मीन्स जो ऑथर ने उस बुक को लिखा है। ठीक है, उस तुम बुक पढ़ के तुम्हारा क्या फील हो उसका एक ओवरऑल रिव्यू दो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। मैं क्या बोल रहा था, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, राइट। ठीक सेम तरीके से योर फर्स्ट बुक रिव्यूज फर्स्ट पैराग्राफ इज योर लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि यार टीचर फर्स्ट पैराग्राफ ज़्यादा पढ़ते हैं, मिड में या फिर बीच में बहुत ही कम पढ़ते हैं जो ICSE के एग्जामिनर्स होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, द समरी ऑफ द प्लॉट फॉलोड बाय द स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द बुक, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, इंसिडेंट एंड सीन्स, यू नीड टू इनकॉर्पोरेट द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। अगर तुम मान लो कुछ भी बुक कर रहे हो, ठीक है, उसका इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स है, क्या क्या इंडिविजुअल कैरेक्टर्स है, कौन सा मान लो कोई प्ले कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स, कुछ सीन्स, कुछ एक्ट्स उसको दो यार। ठीक है, वो काफ़ी नंबर कैरी करते हैं। चौथा पॉइंट है कि द शॉर्ट आउटकमिंग ऑफ द वर्क बट इन अ सेंसिबल मैनर, नीड टू गिव अ शॉर्ट आउटकमिंग, मीन्स मान लो कि कोई एक बुक मान लो कि चेतन भगत ने लिखा है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, उसका आउटकमिंग क्या था, या फिर माई हाफ गर्लफ्रेंड इसका आउटकमिंग क्या था, मतलब कुछ भी बुक तुम रिव्यू कर सकते हो, मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स के तौर से ये वाला बात बताया। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, रेफर टू द सीन्स एंड डायलॉग ऑफ द बुक, तुम क्या क्या सीन्स को रेफर करने वाले हो, तुम क्या क्या डायलॉग्स को देने वाले हो, ठीक है, उस बुक के अंदर, यू नीड टू मेंशन, यू नीड टू इनकॉर्पोरेट ऑल दोज थिंग्स वेरी क्लियर एंड प्रॉपर मैनर। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, ट्राई टू एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, लिविंग बिहाइंड द रीडर विद स्पेसिफिक पॉइंट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, जब तुम कुछ बुक रिव्यू करने वाले हो ना, ऑन दैट केस यार उसका जो एंडिंग है एक पॉजिटिव नोट के संग बुक रिव्यू एंडिंग करो, क्योंकि कंक्लूजन मैटर्स अ लॉट व्हाइल यू आर राइटिंग अ बुक रिव्यू। अभी हम एक छोटा सा ग्लिच दिखाने वाले हैं, वो ये है कि तुमको क्या क्या लिखना पड़ेगा तुम्हारे जब तुम कोई बुक रिव्यू करने वाले हो, मैं इसका एक पिक्चर या फिर कोई पिक्चर में डाल दूंगा लर्न विद आकाश इंस्टाग्राम पेज में, ठीक है जाके देख लेना। अच्छा देख सकते हो टाइटल, पहले तुमको टाइटल मेंशन करनी, टाइटल के बाद ऑथर कौन लिखा है इस वाला बुक एंड कौन से पब्लिशर से ये वाला बुक पब्लिश हुआ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू राइट। ठीक है, इसके बाद पेज, कितना पेज है, मान लो कि तुम जो बुक कर रहे हो उसका पेज है मान लो कि 270 पेजेस, ऐसे लिखना है। प्राइस कितना है, मान लो कि प्राइस है 400, ठीक है ये तुमको देना है। ठीक है, इसके बाद अबाउट द बुक, मैंने जो बात कहा था फर्स्ट पैराग्राफ में, अबाउट द बुक 2-3 लाइंस या फिर 4 लाइंस जा सकते हो, 2-3 लाइन के अंदर लिखो एक ब्रीफ आइडिया तो बुक के बारे में। ठीक है, अच्छा 2-3 लाइन के अंदर तो मान लो कि कितने लैंग्वेजेस में ये वाला बुक पब्लिश हुआ, क्या क्या है इसका फीचर्स, वो तुम देख सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, मीन्स बुक के ऊपर कोई डिस्क्रिप्शन दो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बुक को लेके बात करते हैं उसका
उसके 2 से 3 लाइन दे सकते हो। उसके बाद टॉपिक एंड थीम, क्या क्या टॉपिक, क्या क्या विषय के बारे में इस बुक के अंदर बात किया गया है, यू कैन मेंशन दोस थिंग एंड आफ्टर दैट रेफर द सीन्स और एक्ट्स और डायलॉग्स। मान लो कि तुम कोई नोबेल कर रहे हो, उसके अंदर कोई एक अच्छा डायलॉग है, यू कैन इनकॉर्पोरेट दैट डायलॉग इन योर बुक रिव्यू, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक आइडिया, तो आइडिया ऑफ द थीम, तुम्हारे क्या थीम में क्या यार आइडिया है, ठीक है, इस बुक के अंदर क्या क्या आइडिया दिया गया है वो तुम दे सकते हो। एंड लास्ट में अंत में यार कंक्लूजन, इट्स अ वेरी थिंग दैट यू नीड टू मेंशन व्हाइल यू आर राइटिंग अ बुक रिव्यू, ठीक है। तो मैं इतना ही बोलूंगा यार, बुक रिव्यू मैं बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर एक्सप्लेन किया क्या क्या ये 5-6 पॉइंट्स मेंशन रखना एंड एक इसका जो ओवरऑल व्यू है टाइटल से लेकर तुम्हारे कंक्लूजन तक, ये जिसको मेंशन करो, एक बुक रिव्यू का फॉर्मेट मैंने यहाँ डाल दिया है लर्न विद आकाश में। अगर इसके बाद तुम लाइव सेशंस चाहते हो तो मैं लर्न विद आकाश के अंदर लूंगा, बट इसके लिए तुमको कमेंट करना पड़ेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आकाश बॉक्स ऐप के अंदर जाओ यार, बहुत सारे कोर्सेज है इंग्लिश का, ले सकते हो बहुत ही सस्ते में, बहुत सारे फायदे में तुम जाओगे, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आकाश टॉक्स। थैंक यू।